घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? क्यों पुष्पा ने पकड़ा साइड वाले को? किसका आदमी था वो लड़का? कैसे आया था वो पुष्पा के घर में? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्लॉट स्टूडियोज में। पुष्पा का वही स्टाइल वही अदा एक बार फिर आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जल्दी ही हिंदी सिनेमा के बड़े पर्दे पर पुष्पा फिल्म का सीक्वल आने वाला है। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने देखा था कि पुष्पा ने तलाशी लेते समय कांपने वाले को नहीं बल्कि उसकी साइड वाले को पकड़ दिया था। ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि जिस समय पुष्पा तलाशी कर रहा था उस समय उसके लोगों के पीछे एक शीशा रखा हुआ था जो पुष्पा ने उसमें देख लिया था कि जो इंसान कांप रहा है दरअसल उसके पीछे किसी ने चाकू लगा रखा है, और वो चाकू लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके साइड में खड़ा हुआ आदमी ही होता है। इसकी वजह से पुष्पा उसे पकड़ लेता है। उसको पकड़ने के बाद पुष्पा उसे सीधा सवाल नहीं पूछता बल्कि उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। हम सभी जानते हैं कि पुष्पा ने अपने भाइयों के साथ जो भयंकर रूप में बदला लिया था उसकी कपकपी पूरे गांव में आज भी उतनी ही थी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए पुष्पा का वो गद्दार एक बार फिर से घबराने लग जाता है। दरअसल वो आदमी वही होता है जो पुष्पा की गैंग में नया नया शामिल हुआ था, और उसे कोई और नहीं बल्कि सिंडिकेट ग्रुप का ही एक आदमी लेकर आया था जिसे पुष्पा उस समय पहचान नहीं पाया। लेकिन अब उसके पकड़े जाने पर पुष्पा के दिमाग के सारे तार खुल चुके होते हैं और वो समझ चुका है कि ये उसे मारने का ही प्लान यहाँ था। फिर भी पुष्पा इस निर्णय पर नहीं पहुंचता और उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है। पूछताछ करते समय पुष्पा उसका बहुत बुरा हाल कर देता है और उसे लटका देता है और उस पर हंटर से वार करना शुरू कर देता है, और हर बार यही बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में कदम रखने की। अंत में वो लड़का बोल ही देता है कि हाँ, मुझे सिंडिकेट ने ही तुम्हारे खेल को खत्म करने के लिए भेजा था। पुष्पा उसी समय उस लड़के का खेल खत्म कर देता है और सीधा सिंडिकेट ग्रुप पहुंच जाता है। वहां पहुंचते समय कई लोग उसे बीच रास्ते पर देख लेते हैं और सिंडिकेट को खबर कर देते हैं कि आज तुम्हारा अंतिम दिन आ गया है और तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि पुष्पा बिल्कुल खूंखार तरीके से तुम्हारे घर की तरफ आ रहा है। ये सुनकर सभी वहां से भागने की तैयारी में लग जाते हैं। वो अपने सारे पैसे इकट्ठे करके घने जंगल में जाकर छुप जाते हैं। तो दोस्तों, अब देखना दिलचस्प होगा कि पुष्पा उन्हें कैसे पकड़ेगा, क्या वो उन्हें पकड़ पाएगा, कैसे उससे अपना बदला ले पाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वैसे अगर आप भी घर बैठे बैठे बोर हो रहे हो और सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। और फिल्मी दुनिया की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आप पुष्पा के आने की खबर सुनकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए।